गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए और आप लोग बहुत खुश रहो। अगर आप लोगों का किसी के साथ भी गिला शिकवा है आज के दिन, वो सारे मिटा लो और सबके साथ अच्छे से फ्रेंड बना लो और दिवाली मनाओ, खूब खुश रहो, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, यही मेरा शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और मैं सुबह सुबह उठ के नहा लिए हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरा बाल अभी तक सूखा नहीं है। ऐसे तो मेरा बाल बहुत पतला है तो जल्दी सूख ही जाएगा। आप लोगों को पता है ना क्यों मेरा बाल पतला हो गया? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से, कमी की वजह से मेरा बाल पतला हो गया। चलो वो सब बात बोल के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, आज मस्ती का दिन है, तो सब लोग बहुत पटाखे फोड़, बहुत सारे लड्डू, जलेबी, मतलब बहुत सारे स्वीट खाओ। सॉरी, पटाखे की आवाज़ यहाँ सुबह से ही शुरू हो गए हैं, सुबह नहीं रात से ही शुरू हो गए हैं। मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई पटाखे की आवाज़ से। चलो, मेरी सासू माँ मेरे लिए नीचे वेट कर रही है क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है। आज एक्चुअली नोम्बू बोलते हैं, कभी कभी क्या है ना, दिवाली के पहले दिन नोम्बू आ जाती है तो उस दिन हम लोग पूजा कर लेते हैं, और कभी कभी होता है कि दिवाली के दिन आते हैं, तो इस बार दिवाली के दिन आए हैं तो हम लोग को आज पूजा करना है और पूरा दिन फास्टिंग भी है। और मेरी सासू माँ बेचारी वेट कर रही है, अगर मैं लेट करूँगी तो पूजा का और भी लेट हो जाएगा। ऐसे तो पूजा हम लोग शाम को करेंगे, फिर भी पूरा बहुत सारी चीज़ बनाना भी है आज नोम्बू के लिए, तो मैं जाऊँगी तो हम दोनों मिलके सारे पूजा का काम शुरू करेंगे और इवनिंग को हम लोग कोयल भी जाएंगे, कोयल मतलब मंदिर जाएंगे। ओके गाइस, मैं नीचे जाती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, तब तक आप लोग खूब सारी मिठाई खाइए और पटाखा फोड़िए। इस बार दिवाली में मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिला है क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो सब लोगों ने चूड़ीदार, साड़ी, झुमके, गहने, बहुत सारे चीज़ मिला है मेरे को, तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और आज मैंने ये वाला चूड़ीदार पहनी हूँ, ये भी एक नया चूड़ीदार है, गिफ्ट मिला था मुझे, इसलिए मैंने ये वाला चूड़ीदार पहनी है कि ये सिंपल भी है और काम करने के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आज फास्टिंग है तो बहुत सारा काम भी है पूजा का। हे गाइस, सुबह से बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था पूजा का, और थोड़ा ज़्यादा बात करने से मेरे को प्यास लगेगा, तो इसलिए भी मैं बात नहीं कर पाई आप लोगों से, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोगों को पता है ना, शायद पता नहीं है, मैंने बोला नहीं है, राज यहाँ पे नहीं है, राज यूके में है, राज को जाना पड़ा था, दो वीक और तीन वीक हो गया है वो यूके में है, और मुझे इस बात पे थोड़ा सा, मतलब क्या बोले, खुशी तो है, दिवाली का खुशी बहुत मना रहे हैं, फिर भी उनके बिना थोड़ा सा लग रहा है जो कुछ खाली खालीपन होता है ना, मिस बहुत कर रही हूँ मैं राज को, क्योंकि पिछले बार हम दोनों ने यूके में बहुत अच्छे से दिवाली मनाए थे, हर साल हम दोनों कभी भी दिवाली में अलग नहीं हुए हैं। और अभी राज का ही फ़ोन आ रहा है, मैं आप लोगों को से बात करती हूँ राज से, राज का फ़ोन अटेंड करने के बाद। मेरी सासू माँ मेरे साथ मंदिर नहीं आई क्योंकि आज के दिन जो है मंदिर में खाली पैर में आना पड़ता है, और मेरी सासू माँ जो है वो बिल्कुल भी खाली पैर में चल नहीं पाती है। और ये जो मैंने साड़ी पहना है ये राज ने मुझे नल्ली से लेके दिया था कि दिवाली के दिन पहनना करके, और मैं सोच के रखी थी दिवाली के दिन शाम को जब मैं मंदिर जाऊंगी तो ये वाला साड़ी पहनूंगी, और ये साड़ी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हम लोग अभी मंदिर में आ गए हैं, और ये जो है नोम्बू है, इसे ही नोम्बू बोलते हैं, और इसे ही अभी भगवान जी के पास दे के पूजा करना है। और ये जो है बड़ा, मतलब घर की बड़े, उनकी परंपरा के हिसाब से उनकी बहू को देती है। हम लोग घर में आ गए हैं मंदिर से, अभी घर में थोड़ी देर पूजा करेंगे, उसके बाद मेरी जो फादर इन लॉ है वो मेरे हाथ पे वो जो नोम्बू का जो डोर होती है उसे बांध देंगे, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग है वही बांधते हैं। आप लोगों को शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, मंदिर से आने के बाद घर में पूजा किया, उसके बाद अभी है हम लोग टेरेस के ऊपर, क्योंकि हमें फटाना है बहुत सारे पटाखे।
आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, मुझे तो कल रात नहीं, मुझे लगता है रात से दिन से सब टाइम पे मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, धूम धाम पटाख की, पटाखे की। यहाँ पे पटाख बोलते हैं तमिलनाडु में, और हम लोग पटाखे बोलते हैं, तो उस पटाखे की आवाज़ बहुत आ रही है। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई देनी होगी। हाँ चलो, मैं बात नहीं बात करती हूँ, क्योंकि पटाखे फोड़ने के लिए सब लोग रेडी है, मेरा इंतज़ार है। मुझे तो लग रहा है जैसे रेल की आवाज़ सुनी ना, चुक 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 चुक, क्या पटाखे है, मुझे थोड़ा नया सा लग रहा है। चुक 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 चुक, कुछ इसमें होता है ना, बहुत आशा करते हैं कि बहुत बड़ा एक धमाका होगा, मगर वो पुस 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 करके बंद हो जाता है, वही हुआ हमारे साथ अभी। बहुत सारे पटाखे छोड़े और बहुत टायर्ड लग रहा है, क्योंकि फास्टिंग भी था और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया वो नहीं बोल सकती। मंदिर से आने के बाद जूस पिए और बड़ा बोलते हैं ना, साउथ इंडियन बड़ा और सांभर चटनी, ये सारी चीज़ खाए हैं, मगर भूख लग रहा है। जैसे होता है ना सॉलिड कुछ खाएँ, तो ऐसे पूरी बनाई है मेरी सासू माँ ने, और उसके साथ छोले और हलवा बनाए है, तो अभी जाके वो खाऊंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है मेरे दिन को बना देता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और शायद मैं इतना ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इंडिया में आने के बाद बहुत बिजी हूँ। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, जैसे मैं पूरा सेटल हो जाऊँगी उसके बाद मैं आप लोगों को डेली वीडियो दूँगी। आई होप आप लोग मेरा जो प्रॉब्लम है अंडरस्टैंड करोगे। ओके गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।